उधर Good evening to all of you. Good evening, sir. Okay, so last class में हमने algebraic structure देख रहे थे हम, ठीक है? So up to abelian group तक हम discuss कर चुके हैं, that all यानी कि different जो आपके single binary operation के साथ जितने भी structure होते हैं, that all are we discussed here. Now अब हमें नेक्स्ट देखना है, दैट इज द अलजेब्रिक सिस्टम विद टू बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, अभी तक हम सिंगल ऑपरेशन के साथ देख रहे थे, नाउ विद टू डिफरेंट ऑपरेशन. अगर आपके साथ एक ही स्ट्रक्चर में दो ऑपरेशन दिए हैं तो उस टाइप के कौन कौन से होते हैं. तो द फर्स्ट वन इज द रिंग, दैट नेक्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज रिंग. देखिए रिंग क्या होता है आपका, सो इन विच we use two operation, two binary operation
ठीक है, टू बाइनरी ऑपरेशन दैट इज ए कॉमा प्लस डॉट, ठीक है, दैट इज फिक्स. अगर हम यहां पर जो भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सो दैट फर्स्ट वन इज द रिंग. रिंग में हम बोल रहे हैं कि दो बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं, दैट प्लस इज एडिशन एंड डॉट इज द मल्टीप्लीकेशन. सो एक स्ट्रक्चर है आपके पास और दो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, सो दैट इज फिक्स. प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपका फिक्स रहेगा, यानी बाय डिफॉल्ट आपको अगर बोलते हैं कि अप्लाई द रिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आपको परफॉर्म करना है, क्लियर है, यानी कि दैट इज डिफॉल्ट. अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उसने चेंज कर दिया, वो अलग चीज है, बट दैट इज फिक्स्ड, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, क्लियर है. सो दस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हम क्या बोलेंगे कि दैट द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ए प्लस डॉट इज रिंग, ठीक है, इज रिंग इफ किस कंडीशन में होगा, तो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज द सिस्टम ए प्लस इज अबेलियन ग्रुप, सिस्टम ए प्लस इज अबेलियन ग्रुप, यानी कि दो ऑपरेशन है आपके पास, तो ए प्लस के साथ आपको क्या चेक करना है कि इट इज अबेलियन ग्रुप और नॉट. गॉट इट? नाउ द सिस्टम ए डॉट इज सेमी ग्रुप, ठीक है, यानी प्लस के साथ आपको यह चेक करना है कि दैट इज अबेलियन और नॉट, और डॉट के साथ आपको क्या चेक करना है कि इट इज सेमी ग्रुप और नॉट, क्लियर है. नाउ द थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कौन से किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, डॉट की. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. गॉट इट? यानी कि कोई भी तीन एलिमेंट लिए आपने, अब हमारे पास दो ऑपरेशन है डॉट एंड मल्टी एडिशन, सो दो ऑपरेशन के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करना है? मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, यानी कि आपने अगर लिखा है इस टाइप से ए डॉट बी प्लस सी, तो इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. गॉट इट? तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको चेक करना है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है देन दैट सिस्टम इज रिंग, अदरवाइज इट इज नॉट. Got it? So plus के साथ abelian group, dot के साथ semi group, और multiplication is distributed over addition. ये तीनों property आपको check करना है. So individually आप apply करेंगे. So कोई भी आपने set लिखा है, like अगर मैंने यहाँ पे लिखा है that is example, अगर हम लेते हैं, मैंने लिखा है like set of integer plus n dot is a ring or not? So set of integer plus dot is ring or not? होगा या नहीं बताइए. ऑलरेडी इंडिविजुअल सारी प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं इसके लिए. सो देखिए प्लस के साथ आपको इंडिविजुअल क्या क्या चेक करना है इसके लिए कि Z प्लस इज अबेलियन ग्रुप, तो Z प्लस अबेलियन होगा या नहीं? होगा सर, डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखिए Z प्लस की अगर हम बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर में एडिशन करेंगे तो हमेशा क्लोज होगा, प्लस आपका एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए जीरो चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है, और हर एक पॉजिटिव इंटीजर का इनवर्स नेगेटिव इंटीजर होगा. ये सारी प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So that is this. और अबेलियन के लिए एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव. तो एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, किसी भी ऑर्डर में एड करे रिजल्ट सेम आएगा. सो दैट इज अबेलियन, फिक्स है. नाउ जेड के साथ मल्टीप्लीकेशन इज सेमी ग्रुप, सो ये भी होगा आपका, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के साथ हम क्या बोल रहे हैं कि आपका दैट इज द क्लोज, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करें इंटीजर ही आएगा आपका, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव, सो ये सेमी ग्रुप भी है. और नेक्स्ट आपने क्या बोला कि किसी भी तीन एलिमेंट में आप अगर परफॉर्म करते हैं ए डॉट प्लस दैट इज दिस, सो हमें पता है कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव. यूनियन और इंटरसेक्शन का लॉ लिखते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो यूनियन यानी कि एडिशन एंड इंटरसेक्शन यानी मल्टीप्लीकेशन,
तो कोई भी तीन नंबर आप लिखेंगे तो उनका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा आपका, ठीक है। डॉट थ्री प्लस टू इंटू फोर, सो सेवन इंटू टू फोर्टीन, यहां से भी कितना आएगा, दैट इज 14। गॉट इट? सो इट इज ऑल्सो सेटिस्फाई द थर्ड प्रॉपर्टी। तो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे, म्यूट योर माइक, got it? So यहाँ पर आपका क्या रहेगा, that is the all property. So हम क्या बोलेंगे, that is the ring. Just कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, exactly property सारी वही देखना है आपको, बस अब एक साथ हमें दो operation के साथ देखना है, that's it. Now second, लिख लीजिए. Yes, sir. The second one is integral domain. Integral domain क्या होता है आपका? तो देखिए, again exactly same, दो operation वाले set देख रहे हैं हम, so a plus n dot, operation is also fix, multiplication and addition, ठीक है? So इस set को आप integral domain कब कहेंगे? It's called integral domain if the first condition is a plus is abelian. Exactly same है जो previous case के लिए देखा आपने. A plus क्या होना चाहिए? Abelian group. Second one is dot is commutative. ठीक है, यानी second property आपने क्या लिखी, dot के साथ सिर्फ कौन सा operation check करना है आपको, commutative operation. प्रीवियस केस में हमने क्या बोला था कि डॉट के साथ सेमी ग्रुप चेक करना है, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि डॉट कम्यूटेटिव होना चाहिए. एंड थर्ड अगेन सेम ही, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ठीक है. सो डॉट या आप लिखें सर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपकी दैट इज सेम, ठीक है. सेकेंड में आपका जस्ट चेंजेस आया है, रिमेनिंग इज द सेम, ठीक है. सो इन दैट केस ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दैट्स इट, ठीक है. तो ये रहेगा आपका, गॉट इट? सो जस्ट आपको कम्यूटेटिव चेक करना है उसके साथ. Now, so there are three property for the integral domain. देखिए यहाँ पे just theoretical question आ सकता है इसके ऊपर आपको, तो हम just point देख रहे हैं, ठीक है? Because आपको अगर numerical question भी आता है तो you can solve it, but अभी तक तो ऐसा कोई question आया नहीं है, ठीक है. एक ही question आया था इसके ऊपर, वो हम देख लेंगे किस type का question था. Now, the third one is filled, ठीक है. फील्ड के लिए अगर हम बात करें, सो दैट इज अगेन थ्री ऑपरेट टू ऑपरेशन, प्लस एंड डॉट इज फील्ड इफ अगेन फर्स्ट कंडीशन इज सेम, ए प्लस इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है. फर्स्ट और थर्ड कंडीशन तीनों केस में आपकी सेम रही. सेकेंड कंडीशन is that a minus 0 dot is abelian group. देखिए what is the meaning of that? इसका मतलब ये है आपका कि plus के साथ तो abelian group देखना है आपको, multiplication की केस में आपको उसमें से zero element को क्या करना है, minus करना है, यानी non zero element of that set with multiplication is abelian group or not. Clear है? तो नॉन जीरो के साथ अबेलियन की प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको. तो कोई भी सेट दिया हो आपको, नॉन जीरो एलिमेंट अल्टीमेटली जीरो अगर हम देखें तो व्हाट इज द जीरो, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द प्लस. सो हम क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में, उस एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं. तो
जीरो को आपको जस्ट क्या करना है, रिमूव करना है उस सेट से, जो भी सेट पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ अगेन चेक करेंगे सेम प्रॉपर्टी अबेलियन के लिए. एंड द थर्ड वन इज अगेन डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, ठीक है, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. Got it. So that is the distributive. So first third property आपको वैसे याद हो गई होगी, abelian group और distributive law, multiplication over distributive, तीनों केस में ring integral domain and filled में, clear है? In ring में second property क्या है कि dot के साथ semi group check करना है आपको, ठीक है, dot के साथ semi group देख रहे हैं, integral domain में dot commutative होना चाहिए, और filled में आपका डॉट के साथ हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो सेट के साथ अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है आपको, जीरो एलिमेंट रिमूव करके. गॉट इट? तो देखिए इसमें आप क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, मान लीजिए आपको दो पर्टिकुलर सेट के साथ, दो ऑपरेशन के साथ, या तो टेबल फॉर्मेट दे दिया आपको, ठीक है, और पूछा है कि ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल डोमेन या आपका फील्ड या रिंग किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. सो एग्जैक्टली आपको लॉजिक वही है, बस प्रॉपर्टी अगर तीनों याद है तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्लियर है? नाउ जो गेट में क्वेश्चन आया है इसमें, दैट इज दिस, कंसीडर द सेट एस इक्वल्स टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर omega and omega square are cube root of unity, ठीक है, omega क्या होता है आपका, cube root of unity होता है. Now if star denote, star denotes the multiplication operation, multiplication operation, then the structure S comma star is first a group, second ring, third filled, लास्ट इंटीग्रल डोमेन. क्या होगा? एस सेट दिया है आपको और एस स्टार के लिए पूछा है कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपका किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. It's a very simple question. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट दिख रहा है कि आंसर क्या आएगा. यस, देखिए पहली कंडीशन ही है, आप कोई भी ऑपरेशन रिंग फील्ड या इंटीग्रल डोमेन कब अप्लाई कर सकते हैं, जब दो ऑपरेशन है. अब ऑपरेशन ही एक दिया है यानी आंसर है. अब ग्रुप है या नहीं चेक ही नहीं करना है हमें, क्योंकि नन ऑफ दिस भी नहीं है. मान लीजिए नन ऑफ दिस होता तो हो सकता है कि वो ग्रुप भी नहीं है, तो उसके लिए आपको फिर चेक करना पड़े. बट यहाँ पे रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन नहीं, ये तो फिक्स है, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली एक ही ऑपरेशन है. अब आप खुद से प्लस वहां पे यूज नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा हम हाउ टू प्रूव दैट, बिकॉज हमें बोला है कि ये स्ट्रक्चर किसको फॉलो कर रहा है. तो ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है.
सो बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, दैट इज द ग्रुप. सो ग्रुप इज द राइट आंसर. क्लियर है? अब अगर आप यहां पे देखें, सो डेफिनेटली इस केस में अगर हम देखें तो क्लोज्ड होगा, वन इंटू डब्ल्यू इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इज डब्ल्यू क्यूब, और ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि डब्ल्यू क्यूब क्या होता है आपका, वन होता है. गॉट इट? दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. इसका रूल होता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी आपकी, वन होती है. तो दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट. ठीक है, आप तो किसी भी दो में मल्टीप्लाई करें, आप ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका. तो दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ओमेगा स्क्वायर, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस. सो दिस ऑल आर बिलोंग्स टू एस. सो क्लोज रहे आपके. ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता कि वॉट इज दी एसोसिएटिव, तो अगेन मल्टीप्लीकेशन लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएटिव 100% होगा. आइडेंटिटी क्या है? सो डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, वन, जो कि प्रेजेंट है सेट में. वन का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे वही एलिमेंट जनरेट होगा. इनवर्स की बात करें हम, सो वन का इनवर्स वन, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है आपका कि दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए. तो ओमेगा क्यूब जो है वो आपका वन के इक्विवेलेंट होगा. तो दैट इज दिस. सो वन का इनवर्स वन, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा. गॉट इट? सो सारी प्रॉपर्टी डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी बिकॉज ए इज द राइट आंसर. सो इट इज अ ग्रुप. क्लियर? बट इतना हमें करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में. सो डायरेक्टली आप ए पे टिक कर सकते हैं. Got it? So that is about the algebraic system. ठीक है, ये हमने overall algebraic system से related सारी चीजें देख ली. Now we start the next topic is partial order set. पार्शियल ऑर्डर सेट एंड लेटाइस क्या होता है वो देखते हैं हम. पार्शियल ऑर्डर सेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पोसेट एंड लेटाइस. सो व्हाट इज द पार्शियल ऑर्डर सेट? तो देखिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. क्लियर है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी देखी थी हमने? टाइप ऑफ रिलेशन देखा था हमने. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए? सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. नहीं, गलत. अरे पहली तो डिफॉल्ट है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. यस, तो दैट थ्री प्रॉपर्टी ये हमने देखी थी, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नॉट एसिमेट्रिक. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ए और एंटी बहुत डिफरेंट है. सो एंटीसिमेट्रिक वर्ड का यूज करना है हमें. सो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीन प्रॉपर्टी आपने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए बोला था. तो जिस भी सेट के ऊपर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो सेट आपका पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाता है. यानी नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एक सेट पे आपने तीन प्रॉपर्टी अप्लाई की, यानी कि उससे रिलेशन डिजाइन किया और उस रिलेशन को आपने चेक किया कि पार्शियल ऑर्डर है, रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर उस सेट के करस्पॉन्डिंग वो रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, देन दैट सेट इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट. ठीक है, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर सेट. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज दैट रिलेशन आर ओवर सेट ए, ठीक है, इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर, इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज, इफ इट सेटिस्फाई
क्या सेटिस्फाई करेगा? इफ इट इज सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, इफ इट सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, एंड दैट सेट ए इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट. पार्शियल ऑर्डर सेट, गॉट इट? सो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज पार्शियल ऑर्डर सेट. अब देखिए, जनरली हम क्या बोलते हैं कि जब भी एक रिलेशन बनाते हैं आप, तो रिलेशन किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिजाइन करते हैं. यानी कि पहले तो आप ए क्रॉस ए निकालेंगे, उसके बाद रिलेशन के लिए आपको एक डेफिनेशन दी हुई होगी कि किस टाइप के पेयर इंक्लूड करने हैं. आपको बोल दिया कि वो सारे पेयर इंक्लूड करने हैं जिसका सम इवन आ रहा है, या वो सारे पेयर इंक्लूड करने हैं जो 3 से डिविजिबल. ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे हमने. तो एक कंडीशन के साथ आप क्या बनाते हैं? एक रिलेशन को डिजाइन करते हैं. तो हम यहां बोल रहे हैं कि अगर ए इज अ सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट, विद द रिलेशन इज डिफाइंड बाय दिस. तो देखिए, लेस देन इक्वल टू वाला साइन यूज करते हैं, दैट इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ठीक है, यानी कि दैट इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ठीक है, सो उसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस रिलेशन की देखी, बट जनरली पार्शियल ऑर्डर सेट जो है आपका, ठीक है, दैट इज द पार्शियल ऑर्डर सेट. इसको पार्शियल ऑर्डर सेट बोला, एंड दिस सेट इज अप्लाई ऑन दिस रिलेशन. ठीक है, इस रिलेशन के ऊपर आपने उस सेट को डिफाइन किया. तो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. यानी मान लो कहीं लिखा हुआ आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस पेयर. ठीक है, तो ए सेट है विद द ऑपरेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का ऑपरेशन है, दैट सिंबल इज लेस देन इक्वल्स टू. बट एग्जैक्टली उसका मीनिंग लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, दैट इज जस्ट अ सिंबल. गॉट इट? सो दैट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. नाउ अब यहाँ पे हमारा मेन एम क्या है? दैट पार्शियल ऑर्डर सेट. और हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि जो भी पार्शियल ऑर्डर सेट या रिलेशन आप डिजाइन करेंगे, उस रिलेशन को हम एक डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट डायग्राम इज कॉल्ड हैस डायग्राम. ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेन फर्स्ट देखना है हैस डायग्राम, और फिर हैस डायग्राम से हम कवर करेंगे लेटाइस क्या होता है. गॉट इट? सो फर्स्ट वी स्टार्ट, व्हाट इज द हैस डायग्राम? सो देखिए, हैस डायग्राम, तो अगेन हमने जो पॉइंट बोला, दैट इज दिस, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ठीक है, इस टाइप का रिलेशन यूज करेंगे हम, दैट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. नाउ एक रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन दिया है आपको और उसका हैस डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट हैस डायग्राम फ्रॉम द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन? कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? ठीक है, इसको बहुत सी जगह आपको हैस डायग्राम की जगह पार्शियल ऑर्डर डायग्राम भी लिखा हुआ आ सकता है. ठीक है, आइदर दिस हैस डायग्राम या लिखा हुआ है पार्शियल ऑर्डर डायग्राम, बिकॉज हम उसी सेट के लिए इसको डिजाइन कर रहे हैं. तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट? ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है इसमें. So that just हम यहां पे लिखें, how to construct हैस डायग्राम. फर्स्ट स्टेप इज, अब देखिए डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो डायग्राम में क्या चीजें होगी? आपकी नोड्स और एजेस. ठीक है, यानी कि हम एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, दैट इज द डायग्राम. तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ नोड्स होंगे और एजेस होंगे, या हम बोल सकते हैं वर्टेक्स एंड एजेस. तो ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स होंगे, व्हाट इज द वर्टेक्स? तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, जिस सेट के ऊपर आपने वो रिलेशन डिजाइन किया है, इज द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इज वर्टेक्स ऑफ हैस डायग्राम. ठीक है, नाउ अब जितने भी एलिमेंट है वो आपने क्या कर दिए? वर्टेक्स बना दिए. अब देखिए, तीन टाइप की रिलेशन आप
आपको उस ग्राफ में देखना चाहिए एक रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो देखिए अगर हम यहाँ पर सिंपल सा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे, ठीक है, हमने देखे फर्स्ट पॉइंट, पहले हम सारे पॉइंट लिख लेते हैं, दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इन द वर्टेक्स ऑफ द हैश डायग्राम, ठीक है। नाउ सेकेंड इज द ग्राफ इज डायरेक्टेड, ग्राफ क्या होगा आपका, डायरेक्टेड होगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन, ग्राफ इज डायरेक्टेड एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज यूज, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम कौन सा डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, ग्राफ डायरेक्टेड है एंड दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, सो देयर इज नॉट एनी एरो इन द ग्राफ। देखिए हम बोल रहे हैं ग्राफ डायरेक्टेड है बट कोई एरो नहीं होना चाहिए बिकॉज बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन अपवर्ड मान के चलते हैं। क्लियर है? मान लीजिए आपके पास दो नोड है वन और टू और आपने एक एज बनाई है वन से टू, तो ये डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट अपवर्ड ही होगा, तो इस एरो की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप क्या लगेंगे एक लाइन लिख देंगे वन से टू के बीच में, तो डायरेक्शन इज बाय डिफॉल्ट अपवर्ड। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो हम देखेंगे, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स। नाउ द थर्ड वन इज हमने क्या बोला कि डायरेक्शन अपवर्ड होगा। Now, the graph is by default reflexive, यानी graph by default क्या होगा, reflexive होगा। reflexive का मतलब क्या हुआ कि element खुद से related है, तो खुद से relation के लिए हम क्या बनाते हैं, self loop बनाते हैं। Yes, so यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, it is by default reflexive, यानी कि किसी self loop की requirement नहीं है, no need of self loop की नीड नहीं है हमें, सो ग्राफ में एक भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, ग्राफ इज बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव, ग्राफ इज बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बोला ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए से सी के बीच में कोई एज नहीं बनानी है आपको, वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूड है वहां पर, ठीक है, सो नो नीड टू डिजाइन एज टू रिप्रेजेंट ट्रांजिटिविटी, ठीक है, नो नीड टू डिजाइन एज टू रिप्रेजेंट ट्रांजिटिविटी। ठीक है, उसकी नीड नहीं है आपको, सो नो नीड टू डिजाइन एज टू रिप्रेजेंट ट्रांजिटिविटी। तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव को भी शो नहीं करना है हमें, ट्रांजिटिविटी भी शो नहीं करना है, जस्ट एक प्रॉपर्टी जो है आपकी दैट इज द एंटीसिमेट्रिक, वो आपको वहां पर डेफिनेटली एंटीसिमेट्रिक के अकॉर्डिंग ही पेयर आएंगे और पेयर की हम एजेस डिजाइन करेंगे, सो वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा आपका। क्लियर है? नाउ हम देखते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट, ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पॉइंट्स लिख लिया आपने, एक एग्जांपल मान लीजिए, एक सेट दिया है आपको ए, दैट इज 1 2 3, ठीक है, एंड एक रिलेशन दिया है आर, दैट इज 1 1 2 2 एंड 3 3। अब देखिए जब भी आप पार्शियल ऑर्डर या इक्विवेलेंस की बात करें तो जितने एलिमेंट है उतने पेयर तो पहले ही देख ले, अगर एक भी मिसिंग है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि दैट इज नॉट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, सो सेल्फ पेयर के अकॉर्डिंग सारे पेयर लिख दिए हमने। नाउ 1 2 लिखा हमने, दैट 2 3 एंड 1 3, तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए और 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए। नाउ ट्रांजिटिविटी कहीं दिख रही है क्या आपकी, तो 1 से 2 है और 2 से 3 है और 1 3 आना चाहिए, वो इंक्लूड कर दिया हमने, इसके अलावा कोई ट्रांजिटिविटी नहीं है, सो दिस इज दी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, दैट इज पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, नाउ अब आपको हैश डायग्राम डिजाइन करना है इसके लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर का हैश डायग्राम आप क्रिएट करेंगे। तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए देर आर वेरियस रूल, ठीक है, जो हमने रूल लिखे हैं उसके अलावा भी हमें यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे, बट दैट इज सिंपल क्वेश्चन, तो इसको आप डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं 1 is related to 1, 2 is 2 and 3 is 3, इसके अलावा यहाँ पर सेल्फ पेयर को तो शो करना ही नहीं है हमें, 3 एलिमेंट है आपके 1 2 3,
अब डेफिनेटली आपका डायग्राम जो बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो अलग अलग लेवल पे बनेगा. सो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज वन, ठीक है, वन किससे रिलेटेड है आपका, वन इज रिलेट विथ टू, तो वन से टू एक एज बना दिया आपने, क्लियर है, दैट वन इज रिलेट विथ टू. तो देखिए जब रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वन आपका नीचे वाले लेवल पे रहेगा और टू अपर लेवल पे रहेगा, तो दैट इज दी लेवल वाइज, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन अपवर्ड बोल रहे हैं हम, सो वन इज रिलेट टू टू, यानी कि आपका एरो इस डायरेक्शन में रहेगा, बट उसे शो नहीं करना है हमें. नाउ अब हमें दिख रहा है वन इज टू एंड टू इज थ्री, तो डेफिनेटली टू जिससे भी रिलेटेड होगा अकॉर्डिंग टू पार्शियल ऑर्डर प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी तो होगी वहां पर, यानी टू और थ्री है, तो आप थ्री को डायरेक्टली क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर देंगे. तो वन टू से है और टू थ्री से है, तो वन से थ्री यहाँ पे एज बनाने की जरूरत नहीं है, दैट इज बाय डिफॉल्ट, जैसा कि हमने रूल में लिखा है, ठीक है. सो देयर इज नॉट एनी सेल्फ लूप बिकॉज रिफ्लेक्सिविटी शो नहीं करनी. अब देखिए वन बाय वन पेयर देखते हैं, वन वन दैट इज कवर हियर, ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे वन इज रिलेटेड टू वन, टू टू दैट इज ऑल्सो हियर, थ्री थ्री दैट इज दिस, वन टू इस एज से रिप्रेजेंट हो रहा है, टू थ्री दैट इज रिप्रेजेंट बाय दिस, एंड वन थ्री इज बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट यूजिंग दिस टू, यानी वन टू और टू थ्री है, तो बाय डिफॉल्ट वन थ्री वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो सारे पेयर डायग्राम में शो हो चुके हैं, दैट इज द हैश डायग्राम, क्लियर है, ठीक है. सो ट्रांजिटिविटी नहीं दिखाना है हमें और कोई भी आपको वहां पर सेल्फ लूप नहीं दिखाना है, सो दैट इज द सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है. नाउ अब देखिए, अब इसके अलावा यहां तो ठीक है, आपको लेवल इतने पेयर दिए थे, ठीक है, हमने लिमिटेड नंबर ऑफ पेयर्स लिखे थे, तो हमने वहां पर वन को नीचे वाले लेवल पे लिखना है, टू को अपर पे लिखना है, या बिट जो इन बिटवीन आ रहा है तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्लियर है. क्योंकि अगर आपने जैसे वन टू बनाया, अब मान लीजिए कोई और डायरेक्शन से आप क्या बोल रहे हैं कि टू किसी और से रिलेटेड भी हो रहा है, ठीक है, और टू का लेवल और थ्री का लेवल डिफरेंट लेवल पे आ रहा है, सो हाउ टू डिसाइड द लेवल. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए रिलेशन एक सेट दिया है, सेट ए इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव अप टू 20. सेट में 2 से 20 तक एलिमेंट है आपके, and the property is that A is related to B if and only if B divides A. B is divided by A. Clear? यानी कि A और B दो element को relate कब कर सकते हैं आप, जब B को A divide कर रहा हो, यानी A comma B कब लिखेंगे, जब B is divided by A. That is the relation. अब इस relation के according आप relation design करेंगे, सबसे पहले तो R. So R क्या बनेगा आपका, तो देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो क्या वो तीनों प्रॉपर्टी होगी, तभी वो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा. तो देखिए B डिवाइड्स A, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलते हैं हम, सारे सेल्फ पेयर, तो क्या मैं 2 कॉमा 2 लिख सकता हूँ, यस सर डेफिनेटली, बिकॉज दैट फर्स्ट एलिमेंट इज A एंड सेकंड एलिमेंट इज B, एंड B इज डिवाइड बाय A, सेम एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो 2 2 3 3 4 4 अप टू 20 20 सारे पेयर आपके आ जाएंगे यहाँ पे, सो रिफ्लेक्सिव तो है ना. अब डेफिनेटली एंटीसिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिखा है, हम बोल रहे हैं कि 2,4 इज एग्जिस्ट बिकॉज 4 इज डिवाइड बाय 2, तो 4,2 नहीं लिख सकते हम, बिकॉज अगर B A से डिवाइड हो रहा है तो A B से डिवाइड नहीं होगा, एक्सेप्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के केस को छोड़ दे तो अदर देन दैट पॉसिबल नहीं है. सो ट्रांजिट एंटीसिमेट्रिक भी बन रहा है आपका, 2,4 है तो 4,2 नहीं आएगा ना. 2,8 लिख सकते हैं आप, ठीक है, या हम यहाँ पे लिखे 4,8. तो देखिए 2 से 4 है और 4 से 8 है, यानी 2 से 8 भी बन जाएगा. डेफिनेटली B A से डिवाइड हो रहा है और आप क्या बोलेंगे C B से डिवाइड हो रहा है, तो A और C में भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा. सो 2,4,4,8, तो 2,8 भी होगा, यानी ट्रांजिटिविटी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. सो दैट इज सिंपल प्रॉपर्टी. सो अकॉर्डिंग टू दैट, अब सारे पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन ड्रॉ दैट ऑल पेयर, बट जस्ट हमें पहले ये चेक करना था कि आपकी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है नहीं, तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगी. सो दिस इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कि आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन गया, क्लियर है. नाउ हैश डायग्राम कैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो देखिए
टू कंस्ट्रक्ट हेज डायग्राम. अब जो हमने बेसिक पॉइंट्स थे वो तो लिख ली. इस केस में हम क्या बोलेंगे, टू स्टार्ट दी हेज डायग्राम, टू स्टार्ट हेज डायग्राम फर्स्ट फाइंड मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट. ठीक है, टू स्टार्ट दी हेज डायग्राम फर्स्ट फाइंड मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट. वॉट इज द मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट? देखिए, जस्ट आपको हेज डायग्राम डिजाइन करना है तो मैक्सिमल अगर नहीं भी फाइंड करेंगे तो मिनिमल फाइंड करना इज द कंपल्सरी, यानी मिनिमल तो निकालना ही है आपको. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट? देखिए, फर्स्ट मिनिमल की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, मिनिमल एलिमेंट किस एलिमेंट को बोलेंगे, यानी इस सेट के एलिमेंट्स में से मिनिमल एलिमेंट फाइंड करना है. तो वो एलिमेंट जो सेल्फ पेयर के अलावा कभी राइट हैंड साइड में नहीं आते हैं, सेल्फ पेयर के अलावा कभी राइट हैंड साइड में नहीं आएंगे, वो सारे एलिमेंट आपके मिनिमल एलिमेंट है. ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द एलिमेंट, एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट सेल्फ पेयर. ठीक है, वो एलिमेंट जो कभी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं होंगे एक्सेप्ट सेल्फ पेयर, उस रिलेशन में वो सारे मिनिमल कहलाएंगे. ठीक है, सो कौन कौन से एलिमेंट होंगे इस सेट में? ऑल प्राइम नंबर्स. ऑल प्राइम नंबर, करेक्ट. क्योंकि देखिए, राइट हैंड साइड का मतलब कौन से एलिमेंट है? राइट हैंड साइड में वो एलिमेंट होंगे जिसको आप किसी दूसरे एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, और डेफिनेटली प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा. तो 2 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम है वो सारे आप ले लेंगे. सो लाइक 2, फिर 2 के बाद आपने लिखा दैट इज 3. ठीक है, 2, 2, इसके अलावा कभी भी राइट हैंड साइड में 2 नहीं आएगा. 3, 3 के अलावा कभी राइट हैंड साइड में 3 नहीं आएगा आपका. ठीक है, लेकिन देखिए 4, 4 देखिए तो यहां भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है. दैट्स व्हाई 4 कंसीडर नहीं करना है. नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर दैट 17 एंड 19. दैट ऑल आर दी मिनिमल एलिमेंट. ठीक है, एंड वी स्टार्ट दी हेज डायग्राम ऑलवेज विद दी मिनिमल एलिमेंट. यानी हेज डायग्राम कंस्ट्रक्ट कहां से करना है आपको? मिनिमल एलिमेंट से ही कंस्ट्रक्ट करना है. क्लियर है? सो यानी कि आपके जो मिनिमल एलिमेंट होते हैं उसी से आपका हेज डायग्राम स्टार्ट होगा. नाउ सेकेंड, मैक्सिमल भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम. वॉट इज द मैक्सिमल? तो जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, द एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एक्सेप्ट सेल्फ पेयर. ठीक है, एक्सेप्ट सेल्फ पेयर. कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस केस में? वो एलिमेंट जो सेल्फ पेयर के अलावा कभी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएंगे. तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट लिख रहे हैं हम? जिससे किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहे हैं आप? डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो सेल्फ पेयर के अलावा कभी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएंगे, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट को डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं. अल्टीमेटली वही फाइंड करना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, वो एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करते एक्सेप्ट इट सेल्फ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग दैट पेयर्स? तो देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा है किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए एटलीस्ट उससे डबल नंबर तो चाहिए. अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में देखूं तो 20 को अगर आपको डिवाइड करना है, 20 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो एटलीस्ट 40 चाहिए इस केस में. बट 40 डेफिनेटली 20 का डबल तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उससे आगे के एलिमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है. यानी कि पहला तो 20 लिख दिया हमने, रिवर्स डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, दैट इज 20. 19 भी होगा, क्योंकि 19 किसको डिवाइड कर सकता है? 38 को. डेफिनेटली वो प्रेजेंट नहीं है. फिर आपका 18 भी होगा, 17 भी होगा, 16 होगा, 15 होगा, 14 होगा, 13, 12, 11, 10 होगा क्या? No, नहीं, बिकॉज 10 किसको डिवाइड कर रहा है आपका? 20 को डिवाइड कर रहा है. क्लियर है? सो दस 3 जो जितने भी एलिमेंट हमने लिखे हैं दैट ऑल आर दी मैक्सिमल एलिमेंट.
अब देखिए ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या मिनिमल मैक्सिमल सेम हो सकते हैं, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि देखिए दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं आपके, सो मिनिमल एंड मैक्सिमल मे बी सेम, यानी कि कॉमन एलिमेंट आ सकते हैं। अब कॉमन क्यों आ रहे हैं ये डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि आपको अगर सेट दिया और उससे मिनिमल मैक्सिमल फाइंड करना है, तो ये दो डेफिनेशन है, यानी मिनिमल की और मैक्सिमल की, यू कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू दैट, क्लियर है। नाउ अगर हम यहां पर बात करें, हैज डायग्राम स्टार्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो मिनिमल एलिमेंट होते हैं वो आपके लोअर लेवल ऑफ द हैज डायग्राम पे होंगे, यानी एट द बॉटम, और मैक्सिमल होंगे एट द टॉप, ठीक है। एंड यू कैन राइट योर पॉइंट, मिनिमल कहां होंगे, एट द बॉटम लेवल ऑफ हैज डायग्राम, ठीक है, हैज डायग्राम के बॉटम लेवल पे, और ये कहां होंगे, एट द टॉप लेवल, ठीक है, हैज डायग्राम के टॉप पे होंगे, मिनिमल एट द बॉटम हैज डायग्राम के, और मैक्सिमल टॉप पे होंगे। तो जो भी हैज डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके लिए हमें मिनिमल की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमल ऑटोमेटिक आ जाएंगे जैसे ही आप रिलेशन को ग्रो करते जाएंगे। सो सबसे पहले तो मिनिमल एलिमेंट कौन कौन से, उससे आपको क्या कर देना है, हैज डायग्राम स्टार्ट कर देना है। तो देखिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। So, देखिए जब भी आप हैज डायग्राम बनाए, जस्ट ड्रॉ फ्रॉम बॉटम, बिकॉज ग्रो अपवर्ड में करना है हमें, तो दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19, ये जो मिनिमल एलिमेंट थे हमारे, ये सारे लिख दिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, गॉट इट। नाउ अब हमें पता है 2 से 20 तक एलिमेंट्स हैं आपके पास सारे, रिलेशन भी हमें क्लियर है, तो 2 किस किस से रिलेटेड होगा, तो देखिए 2 इज रिलेटेड विद 2 इटसेल्फ, तो सेल्फ पेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को, 2 से 4 लिख दिया आपने। नाउ 2 और किसको डिवाइड करेगा, 2 4 को, फिर 6 को, ठीक है, 6 को भी 2 डिवाइड करेगा, लेकिन 4 और 6 में कोई रिलेशन बनेगा क्या आपका, 4 और 6 में रिलेशन बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, बिकॉज ना तो 4 6 को डिवाइड कर सकता है, ना ही 6 4 को, सो डेफिनेटली 2 4 और 6 दोनों से रिलेटेड है, बट इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखिए 2 से 4 है, 2 से 6 है, बट 4 6 में कोई रिलेशन नहीं। नाउ नेक्स्ट 8, 8 की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द 8, क्लियर है, 8 के करस्पोंडिंग 2 से भी है, 4 से भी, और किससे होगा, दैट इज डेफिनेटली, अगर आपका कहीं ट्रांजिटिविटी दिख रहा है 2 से 4 है और 4 से 8 है, तो 2 से 8 बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो गया आपका, सो आपने इसी को अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर दिया। 8 के बाद 10, तो देखिए 10 के लिए हम देखें तो 4 6 8 में से किसी से भी रिलेटेड नहीं है, 10 इनमें से कोई भी एलिमेंट उसे डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 से 10 का अलग बना दिया आपने, दैट इज दिस, गॉट इट। नाउ आफ्टर दैट और नेक्स्ट क्या आएगा, 12, ठीक है, तो 12 के लिए अगर हम बात करें, सो कौन सा होगा आपका, दैट इज 3, ठीक है, सॉरी 6 की बात करें और 4 की बात करें, तो 6 और 4 दोनों 12 को डिवाइड करेंगे, सो 12 आपने इसी लेवल पे आगे ग्रो कर दिया, दैट इज 12। तो देखिए 2 4 4 6 4 12, तो 2 12 इधर से भी ट्रांजिटिविटी बन रही है, 2 6 6 12, तो 2 12 यहां से भी ट्रांजिटिविटी बन रही, दैट इज दिस, इतना बना दिया हमने। नाउ फिर नेक्स्ट 14, तो 14 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो दैट इज अगेन सेपरेट नंबर, सो 14 इज दिस। अब देखिए 2 से डायरेक्ट जब रिलेट कर रहे हैं तो लेवल आपका सेम रखा आपने, 4 6 10 और 14 का लेवल सेम है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट 16, तो 16 हमें पता है 8 से डिवाइड हो जाएगा आपका, 4 से भी हो जाता है और 2 से भी, सो 16 इस लेवल पे चला गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, सो इनडायरेक्टली सारी ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट हो गई। नाउ 18, तो 18 की अगर हम बात करें तो 2 से 6 से दोनों से होगा, ठीक है, रिमेनिंग किसी से नहीं होगा, यानी कि 18 इससे अपर लेवल पे जाएगा, दैट इज दिस, 18 इज दिस। नाउ 20, तो 20 किस किस से रिलेटेड होगा, 2 से 4 से और 10 से, ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर मैं इसके अपर लेवल पे जाता हूं, दैट इज 20, और ये 4 से 20 को मैच कर दिया,
बिकॉज बाकी कोई डायरेक्शन से नहीं आ रहा है, 8, 16, 12, 18 कोई रिलेशन नहीं है आपका. सो 2 से 4 और 4 से 20 पे जा सकते हैं, या फिर 2 से 10 और 10 से 20 पे जा सकते हैं आप. दैट्स इट, ये 2 के सारे बना दिए हमने. तो देखिए ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे आ चुके होंगे. अब बाकी बचे हुए को जस्ट एड करना है आपको. 3 किसको डिवाइड करेगा? पहला मल्टीपल दैट इज 6. जैसे 6 पे एड किया हमने, देखिए रिमेनिंग सारे ऑटोमेटिक आ गए. 3 से 6, 6 से 12, तो C से 12 भी हो जाएगा. 3 से 6, 6 से 18, तो 3 से 18 भी हो जाएगा. ठीक है, अब 6 से 6 के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका? 9. तो डेफिनेटली 9 इनमें से किसी के लिए भी नहीं होगा, सिर्फ 18 को डिवाइड कर सकता है. तो 3 से 9 डायरेक्ट बनेगा आपका, दैट इज 9. और 9 से 18 का पेयर हमने यहाँ पे बना दिया, दैट इज 3 to 9, 9 to 18. गॉट इट? 9 और किसी को डिवाइड नहीं करेगा. सो दैट इज दिस, ये पेयर बना आपका. नाउ 3, 6, 9, 12, 15 आ रहा है. ठीक है, सो 15 के लिए आपने यहां से अलग लाइन बना दी, क्योंकि 15 इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है आपका. सो दैट्स व्हाई 15 सेपरेट बन गया आपका. 15 के बाद 18 रिलेट हो गया आपका, और 18 से बड़ा नंबर नहीं है हमारे सेट में. सो दैट्स इट, 3 के सारे रिलेशन बना दिए हमने. नाउ 5 का पहला मल्टीपल 10, दूसरा 15, थर्ड है 20, जो इनडायरेक्टली आ गया 5 से 10, 10 से 20, कंप्लीट हो गया. 7 के लिए एक ही है, दैट इज 14. ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 21 आएगा, जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है. दैट्स इट. अब देखिए आपको क्लियर हो गया कि यहां पे हैज डायग्राम में जो टॉप पे एलिमेंट है, टॉप पे एलिमेंट क्या है? 16, 12, 18. टॉप का मतलब उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं हो. तो 16, 12, 18, 20, 14, 15, 11, 13, 7, 18 एंड 19. इन सब एलिमेंट के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है आपका. और अगर आप यहां पे देखें, सो मिनिमल एलिमेंट कौन से? जिस एलिमेंट के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एलिमेंट के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है. सो दैट इज द मिनिमल. सो 11, 13, 17, 19 इज बोथ मैक्सिमल एंड मिनिमल. डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपको? गॉट इट? क्लियर है? समझ में आया हैज डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट किया? कोई डाउट हो तो पूछ. हाँ बोलिए. गेट पेपर में ये किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मतलब? अरे अभी तो स्टार्ट किया है, क्वेश्चन भी करेंगे, सब करेंगे. अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है. क्लियर है? हैज डायग्राम कैसे बन रहा है? ये जो हमने लिया है दैट इज सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. ठीक है, आपको सेट दे दिया और कंस्ट्रक्शन दे दिया, डायरेक्टली चार डायग्राम दे दिया ऑप्शन में. सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो वही होगा आपका कि आपको एक सेट दिया और बोला है कि कंस्ट्रक्ट दी हैज डायग्राम और चार ऑप्शंस दे दिए, तो आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, तीन ऑप्शन को रिजेक्ट करना है. गॉट इट? अरे ऑब्वियसली चार ऑप्शन में से तीन तो गलत होंगी, तो तीन को रिजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका, देखिए किसी भी कंडीशन को फॉल्स करना इजी है एज कंपेयर टू ट्रू. ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें. बट कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं ये क्लियर है अभी? यस सर. यस सर. सो दैट इज दिस एलिमेंट इज बोथ मैक्सिमल एंड मिनिमल. तो देखिए जैसे हमने से रिलेशन का नाम क्या बोला है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. सो पार्शियल ऑर्डर का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से अगर रिलेटेड नहीं है देन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. क्लियर है? सो ये जो रिलेशन बना है 11, 13, 17, 19 इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट. ठीक है, तो एक पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इफ ऑल एलिमेंट्स, all elements are not related to each other, all elements are not related to each other, then it is called partial order relation. If all elements are not related to each other, then it is called partial order relation. ठीक है, सो 11, 13, 17, 19 सारे आपके रिलेटेड नहीं है
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर. क्लियर? यानी कि अगर सारे रिलेटेड होते तो वो रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डर की प्रॉपर्टी तो एग्जैक्टली वही रहेगी. मान लीजिए किसी केस में आपके सारे एलिमेंट रिलेटेड है, सो दैट टाइप ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर रिलेशन. ठीक है, उस पार्शियल ऑर्डर को क्या बोलेंगे आप? टोटल ऑर्डर रिलेशन. सो देखिए, अगर मान लीजिए आपको सेट दिया है ए इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16, 32 एंड द सेम रिलेशन लिया हमने, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज डिवाइड बाय ए. अब बताइए हाउ मेनी एजेस इन द हैज डायग्राम एंड किस टाइप का रिलेशन बनेगा? ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मिनिमल एलिमेंट, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ लिया. व्हाट इज द मैक्सिमल एलिमेंट या हाउ मेनी एजेस इन द हैज डायग्राम. सो एक ही कंसेप्ट से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं. मिनिमल मैक्सिमल पे तो क्वेश्चन आता ही है. सेम रिलेशन है आपका, रिलेशन है आपका. ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखिए तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सेल्फ पेयर के अलावा कभी राइट हैंड साइड में नहीं आएंगे, तो एग्जैक्टली एक ही है, दैट इज टू. बिकॉज यहाँ पे कोई प्राइम नंबर ही नहीं है आपका. 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 8 आपका 4 से डिवाइड होगा, 16 8 से डिवाइड हो सकता है, 32 16 8 4 2 इन सब से डिवाइड हो रहे हैं. यानी कि आपके जो पेयर बनेंगे उसमें एग्जैक्टली एक ही पेयर है 2, 2, कि 2 कभी राइट हैंड साइड में नहीं आएगा बिकॉज 2 को किसी भी एलिमेंट से आप डिवाइड नहीं कर सकते. तो 2, 2 ठीक है, एंड आप क्या लिखेंगे 2, 4, 2, 8, 2, 16 एंड 2, 32. तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं. ठीक है, 4, 8, 16 एंड 32 ये सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड में, और ये सेल्फ पेयर में भी होंगे, तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपके, दैट इज नॉट अ मिनिमल एलिमेंट. तो एग्जैक्टली एक मिनिमल एलिमेंट है, दैट इज 2. अब मिनिमल फाइंड कर लिया आपने, हैज डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली मैक्सिमल आ जाएगा आपका. तो देखिए 2, 2 किससे रिलेटेड है? 4 से. 2, 4 को डिवाइड कर सकता है, फिर 2 का नेक्स्ट डिविजर दैट इज 8, 8 को डिवाइड कर सकता है, और 4 इज ऑल्सो डिवाइड 8, तो 4 से 8 भी बना दिया हमने. 2 इज ऑल्सो डिवाइड 16 एंड 4 8 इज ऑल्सो डिवाइड 16, सो दैट इज दिस. 2 इज डिवाइड टू 32 एंड दिस ऑल इज ऑल्सो डिवाइड द 32, सो दैट इज दिस. तो सारे एलिमेंट के रिलेशन बन गए एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में. सो ऑल एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर रिलेशन. प्रॉपर्टी वही है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, जस्ट टोटल ऑर्डर कब बोलेंगे? जब सारे एलिमेंट रिलेटेड हो, अदरवाइज इट इज अ पार्शियल ऑर्डर. गॉट इट? देखिए एक क्वेश्चन है आपको, विच वन
which one is the Hess diagram? Which one is the Hess diagram for the following graph? इस ग्राफ के लिए कौन सा हेज डायग्राम होगा आपका? दैट इज 1, 2, 3, एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया है हमें और बोला है कि कौन सा हेज डायग्राम इस ग्राफ के लिए करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन ये डायग्राम से आप देखिए, डायरेक्ट आपको डायग्राम दे दिया विदाउट रिलेशन, आपको डायरेक्ट डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को हेज डायग्राम में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट नहीं, क्योंकि जो टू है वो मिनिमल एलिमेंट होगा. क्यों होगा मिनिमल? क्योंकि उससे कोई जा नहीं रहा है, लाइक जो भी उसमें वर्टेक्स उससे नहीं जा रहा है तो मैक्सिमल हो गया ना. उल्टा बोल रहे हो तो. अरे जस्ट यस, लॉजिक सेम है बट आपने उसको उल्टा कर दिया. ठीक है, यस. सो मैक्सिमम का आंसर करेक्ट आ रहा है. देखिए सिंपल सा लॉजिक, हम दो एलिमेंट बोलते हैं मिनिमल एंड मैक्सिमल. तो वो एलिमेंट जिससे कोई आउटगोइंग एज नहीं है, यानी कि ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में कैसे समझेंगे हम? मिनिमल एलिमेंट जिससे कोई आउटगोइंग एज नहीं है वो एलिमेंट आपका क्या होगा? मैक्सिमल. और ऐसा एलिमेंट जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके करस्पॉन्डिंग कोई इनकमिंग एज नहीं है वो आपका क्या कहलाएगा? मिनिमल एलिमेंट. सो इनकमिंग एज यानी कि हम देखिए 4 और 3 पे कोई एज नहीं आ रही है आपकी, बाकी सारे नोड पे एजेस जा रही है, 5 पे भी जा रही है, 1 पे भी जा रही है और 2 पे भी जा रही है. ठीक है, आउटगोइंग का मतलब दैट इज द आउटगोइंग एज. सो 4 और 3 पे कोई इनकमिंग एज नहीं है आपकी. ठीक है, दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं कि दैट इज मिनिमल एलिमेंट. तो ये लोअर लेवल पे होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हुआ आपका. गॉट इट? फर्स्ट ऑप्शन इज रिजेक्ट बिकॉज 3 और 4 इसने मैक्सिमल बोल रखा है, बट 3 और 4 क्या है? मिनिमल है आपके. नाउ मैक्सिमल एलिमेंट तो दैट इज 100% 2, कि जिससे कोई आउटगोइंग एज नहीं होनी चाहिए. तो 2 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है तो 2 इज मैक्सिमल. तो ये 3 ऑप्शन में आपको 2 मैक्सिमल पे दिख रहा है. ठीक है, बट इन दैट केस अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे अगर आप
इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें, बी का जो आपका हैज डायग्राम बताया है इसने, ये क्या बोल रहा है, थ्री, थ्री के करस्पॉन्डिंग आप इसने रिलेट किया है वन से फाइव से। अब क्लियरली हमने बोला थ्री और फोर दोनों मिनिमल एलिमेंट है, और फोर से कितनी एज जा रही है, टू पे और वन पे, तो फोर से टू, वन और फाइव तीनों से रिलेटेड होना चाहिए, बट इसने फोर, वन और फाइव को तो रिलेशन बनाया ही नहीं है, वन फोर फाइव में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, ठीक है, दैट वन और फोर एंड फाइव डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ हैज डायग्राम, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें तो थ्री वन से भी रिलेटेड है, फाइव से भी रिलेटेड है, क्लियर है, एंड टू से भी रिलेटेड है इनडायरेक्टली, बिकॉज थ्री और वन है और वन से टू है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, थ्री से वन है और वन से टू है, तो थ्री से टू डायरेक्टली हो जाएगा आपका, यानी ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट हो गई। थ्री से फाइव अगर आप देखें तो देयर इज नॉट एनी ट्रांजिटिविटी, दैट्स व्हाई थ्री से फाइव डायरेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। थ्री से वन, तो थ्री से वन भी आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज थ्री से के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो थ्री इज रिलेटेड टू दैट, सॉरी एक एज मिसिंग है यहाँ पे, एक एज मिसिंग हो गई, हाँ थ्री से वन की भी एक एज है इस क्वेश्चन में, ठीक है, अदरवाइज आपका एक भी आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। सो थ्री से वन एंड डेफिनेटली थ्री से वन डायरेक्टली एज जा रही है, तो ये बन गया, और थ्री से टू हमने बोला ट्रांजिटिवली बन जाएगा, सेम फोर और थ्री का लॉजिक एग्जैक्टली सेम बन रहा है आपका, सो भी बन जाएगा, और डेफिनेटली इतनी एजेस यहाँ पे आएगी और यहाँ नहीं दिख रही है आपको, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी इज करेक्ट, ठीक है। यू कैन चेक वन बाय वन ईच एज, फोर टू फाइव, तो फोर टू फाइव दिख रहा है, दैट इज कवर, ठीक है, फोर टू वन, सो फोर टू वन भी दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड, फोर से टू, सो फोर से वन है और वन से टू है, तो ये कवर हो रहा है, यानी वन से टू वाली एज भी कवर हो चुकी है आपकी, ठीक है, फोर से वन भी कवर हो गया है, एंड नेक्स्ट थ्री, थ्री से फाइव दैट इज डायरेक्ट एज, थ्री से टू, तो थ्री से वन पे गए और वन से टू पे चले गए, तो दिस एज इज ऑल्सो कवर, और थ्री टू वन इज ऑल्सो कवर, सारी एजेस आपकी कवर हो गई है, एंड फाइव टू वाली एज भी दिख रही है आपको, तो दैट इज डायरेक्ट रिलेशन फाइव टू टू, ठीक है। या तो आप क्या करें, इसको पेयर वाइज लिख ले रिलेशन में और फिर डायग्राम बना दे अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अदरवाइज आप ऑप्शन को रिजेक्ट करके राइट आंसर तक जा सकते हैं, क्लियर? यस सर। सो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चंस आपको हैज डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट सेट दिया है और उससे रिलेशन दिया और हैज डायग्राम पूछा है, तो भी आपको मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो आपके अराउंड सिक्स सेवन इतने एलिमेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस आते हैं अगर डायग्राम के ऊपर, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा डायग्राम दे दिया है, गॉट इट। और वैसे मिनिमल मैक्सिमल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मिनिमल एलिमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमल एलिमेंट, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्लियर है। तो हमें मेन हैज डायग्राम कंस्ट्रक्शन अगर आ गया तो यू कैन सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? तो देखिए हैज डायग्राम के करस्पॉन्डिंग अब यहां पर हमें दो टर्म पढ़नी है, दैट इज दी लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा डायग्राम के अंदर, यानी जस्ट आप अपर बाउंड लोअर बाउंड टर्म यूज करते हैं। अपर बाउंड लोअर बाउंड का मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी दो एलिमेंट का अपर बाउंड किसको बोलेंगे हम, व्हेन दिस टू एलिमेंट टॉप पे जाके किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिट कर रहे हैं, ठीक है। यानी दो एलिमेंट हम टॉप पे जाके किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द अपर बाउंड। लोअर बाउंड यानी दो एलिमेंट बॉटम में जाके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड लोअर बाउंड, ठीक है। अब दो एलिमेंट के अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है लिस्ट। लिस्ट अपर बाउंड यानी कि उस पर्टिकुलर केस में आपका नंबर ऑफ अपर बाउंड में से जो सबसे लिस्ट लेवल पे है, दैट इज द लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो देखिए जस्ट पॉइंट आप यहां पे ये लिख सकते हैं, अपर बाउंड मीन्स, अपर बाउंड मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट of two element in upward direction
and lower bound, same statement, intersection point of two element in downward direction. ठीक है, तो दैट इज द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. अब लिस्ट का मतलब, लिस्ट वर्ड कब यूज करेंगे? व्हेन नंबर ऑफ अपर बाउंड में से जो आपका लिस्ट लेवल पे होगा दैट इज द लिस्ट, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में नंबर ऑफ लोअर बाउंड में जो टॉप लेवल पे होगा दैट इज ग्रेटेस्ट. देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं हम इसको. कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपने डिफाइन किया, लाइक मैंने एलिमेंट लिखे दैट इज 2, 7, ठीक है, और यहाँ पे एक एलिमेंट डिफाइन कर दिया मैंने लाइक दिस, दैट इज 14. सो अगर ये स्ट्रक्चर है आपको, ठीक है, फिर कुछ और एलिमेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं दैट इज 2, 4, 8, ठीक है, वॉट एवर द रिलेशन. हम यहाँ पे डिवाइड वाला रिलेशन का लॉजिक यूज कर रहे हैं, 2, 4, 16 इस टाइप से डिफाइन कर दिया आपने, फिर दैट इज द 3, 2 and 3 is 6, ठीक है, 6, 12, 4, 12, वॉट एवर दी हेज डायग्राम. ये एक डायग्राम दिया है आपको, एंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड दी लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिटवीन दी पेयर्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट, ठीक है, जितने भी पेयर यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो अगर आपसे पूछा है वॉट इज द लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड को हम एल यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे, लिस्ट अपर बाउंड बिटवीन 2 and 14. तो देखिए लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होगा, 2 और 14 अपवर्ड डायरेक्शन में कहां पे मीट कर रहे हैं? तो देखिए 2 और 14 की अगर हम बात करें, सो हमने बोला डायग्राम का डायरेक्शन इज ऑलवेज अपवर्ड, सो 2 यहां पे आके 14 से इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट बिकॉज 14 इज इटसेल्फ हियर. सो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सो दैट इज द 14. यानी कि अगर मान लीजिए आपको 2, 14 का लिस्ट अपर बाउंड, या डायरेक्टली जस्ट पहले हम बोले वॉट इज द अपर बाउंड बिटवीन 2 and 14, तो 2 और 14 अपवर्ड डायरेक्शन में कहां पे मिट कर रहा है? तो एक ही पॉइंट है दैट इज 14, जहां पे वो दोनों क्या कर रहे हैं, मिट कर रहे हैं, बिकॉज 14 इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो 14 का पॉइंट तो एग्जिट इज है. 2 मूव करके कहां पे गया, 14 पे, और वहां पे फर्स्ट इंटरसेक्शन वहां पे हो रहा है आपका 2 और 14 का, सो अपर बाउंड 2 और 14 होगा. अब मान लीजिए मैंने लिखा अपर बाउंड बिटवीन दी 2 and 4, 2 और 4 का अपर बाउंड क्या होगा? तो देखिए 2 और 4 अपवर्ड डायरेक्शन में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, अभी हमने दोनों स्टेटमेंट अपर बाउंड के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए लिखे, 2 और 14 भी एक स्ट्रेट लाइन में थे आपके, और 2 4 भी एक स्ट्रेट लाइन में, तो उस स्ट्रेट लाइन के करस्पॉन्डिंग 2 4 फर्स्ट इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? 4 पे, तो दैट इज फर्स्ट अपर बाउंड इज 4. फिर दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और सेकेंड इंटरसेक्शन कहां पे होगा? 8 पे, बिकॉज 4 भी 8 से रिलेटेड है और 2 भी 8 से रिलेटेड है, तो बोथ इज ऑल्सो इंटरसेक्ट एट 8, तो 8 इज ऑल्सो अपर बाउंड, एंड बोथ आर इंटरसेक्ट एट 16, तो 16 इज ऑल्सो अपर बाउंड. क्लियर है? सो इस केस में अगर आपसे बोला होगा कि लिस्ट अपर बाउंड बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 का लिस्ट अपर बाउंड, तो इन तीनों में से लिस्ट कौन सा है? दैट इज 4. सो 4 आपका लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा. Got it. अब इस केस में 2 और 14 के केस में तो 2 या 14 ही आएगा आपका, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही अपर बाउंड है और वही लिस्ट होगा. सो अगर एक से ज्यादा अपर बाउंड है तो आपको उसमें से लिस्ट फाइंड करना है. तो देखिए अपर बाउंड आपसे पूछे ना पूछे, लिस्ट अपर बाउंड जरूर पूछेंगे. क्लियर है? तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लिस्ट अपर बाउंड के केस में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इज द 4 इज द लिस्ट अपर बाउंड बिटवीन 2 and 4. नाउ मान लीजिए आपने लिखा दैट लिस्ट अपर बाउंड बिटवीन 2 and 7, या फिर हम यहाँ पे लिखे अपर बाउंड बिटवीन 2 and 7, तो 2 और 7 का अपर बाउंड क्या होगा? व्हाट इज अपर बाउंड बिटवीन 2 and 7? तो 2 और 7 अपवर्ड डायरेक्शन में कहाँ जाके मिट कर रहे हैं? देखिए स्ट्रेट लाइन का समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये तो क्लियर है, 2 इधर गया, 7 इधर गया, और यहाँ आके मिले दोनों, सो दैट इज 14. एग्जैक्टली एक ही इंटरसेक्शन है, सो 14 है, and that is list, वही list होगा आपका. Now, what is the upper bound between 2 and 3? 2 और 3 का upper bound क्या होगा? What is the upper bound between 2 and 3? Null. नहीं, null क्यों? 2 और 3 upward direction. अरे यार 3 है, 3 है.
टू और थ्री इज मिड एट सिक्स एंड सिक्स के बाद कहा जा रहा है 12 पे, तो सिक्स और 12 दोनों होंगे और लिस्ट कौन सा हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड इज सिक्स. I think it is clear. Sir, इसमें अपर सर अपर बाउंड ऑफ 2 और 4 में हम 12 भी तो लेंगे. 2 और 4 में हाँ यस यस करेक्ट 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 यस 12 इज ऑल्सो अपर बाउंड. 2 4 में 12 भी अपर बाउंड आएगा आपका करेक्ट. दैट 12 इज ऑल्सो अपर लिस्ट 4 ही होगा आपका. यस 12 इज ऑल्सो अपर बाउंड. सो दैट इज दिस जितने भी स्ट्रेट लाइन में जहां जहां जितने भी डायरेक्शन में जा रहा है वो सारे अपर बाउंड आपको लेने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट. तो 12 इज ऑल्सो अपर बाउंड. 2 3 में हमने 6 12 लिखा है एंड यहाँ पे लिस्ट क्या हो गया आपका 6 हो गया ठीक है. सो नाउ इन दैट केस लास्ट वन दैट इज 3 एंड 7 इस केस में क्या आएगा अब. नन यस दैट इज 5 नथिंग बिकॉज 3 और 7 में कोई रिलेशन नहीं है. So upper bound between 3 and 7 is nothing. ठीक है list upper bound भी क्या बोल देंगे आप that is 3 and 7 का क्या होगा 5 होगा because there is not any upper bound between these two. Now so इस तरीके से आप find कर सकते हैं list upper bound and upper bound. अब greatest lower bound तो exactly वही logic है downward direction में आपको देखना है ठीक है. So if we find चलिए next page पे लिख लेते हैं. ठीक है दैट इज दिस. नाउ अब अपर बाउंड की जगह हम क्या बोल रहे हैं लोअर बाउंड बिटवीन 2 एंड 3. व्हाट इज द लोअर बाउंड बिटवीन 2 एंड 3 दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहां मीट कर रहे हैं तो देयर इज नॉट एनी डायरेक्शन इन द डाउनवर्ड सो इट इज 5. क्लियर है क्योंकि नीचे कहीं पे भी वो मीट नहीं कर रहे. अगर आपसे पूछा है लोअर बाउंड बिटवीन 2 एंड 6 2 और 6 का लोअर बाउंड तो देखिए लोअर बाउंड यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे Yes, तो कहां पे मिट कर रहे हैं ये 2 पे. That 6 is in the downward is 2. 2 को आपको downward में grow नहीं करना है. So just 6 first intersect here. मान लीजिए नीचे कोई element होता, तो वो भी आपका क्या हो जाता? Lower bound हो जाता. So that is 2. And greatest lower bound यानी उन सब में जो top पे होगा, तो 2 और 6 का greatest lower bound is also 2 क्योंकि exactly एक ही lower bound है. अगर आपसे पूछा है lower bound between 6 and 12 या 12-6 किसी भी order में लिख सकते हैं आप. तो लोअर बाउंड इन दो एलिमेंट के बीच में क्या होगा सो दैट इज 6 एंड 6 2 और क्या आएगा 3 इज आल्सो बिकॉज 6 पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पे भी कर रहे हैं और 3 पे भी. नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 6 ग्रेटेस्ट इज 6 करेक्ट. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 6 बिकॉज दैट इज फर्स्ट इंटरसेक्शन. अब लोअर बाउंड बिटवीन 4 एंड 6 एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिटवीन 4 एंड 6 यस 4 और 6 2 पे मिट कर रहे हैं इन बोथ केस एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्शन दैट इज 2 ओनली ठीक है. अब आपसे बोला है लोअर बाउंड बिटवीन 8 एंड 2 एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिटवीन 8 एंड 2 क्या आएगा देखिए आपको दोनों पॉइंट है 8 4 और 2 बीच में कितने भी नोट हो पहला एलिमेंट ये और दूसरा ये तो डेफिनेटली 2 तो ऑलरेडी लोअर पे उसको आप और नीचे ग्रो तो नहीं कर सकते यानी कि 8 को ही नीचे आना पड़ेगा उससे मिट करने के लिए. सो 8 ग्रो डाउनवर्ड पे कहां पे इंटरसेक्ट हुआ पहला पॉइंट 2 4 नहीं बोल सकते हम क्योंकि हम लोअर बाउंड यानी दोनों एलिमेंट आपका एक ही डायरेक्शन फॉलो करेंगे. हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 8 नीचे आ रहा है और 2 ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मिट कर गया दैट इज नॉट अ इंटरसेक्शन ठीक है. सो 8 डाउनवर्ड में और 2 वहीं पे रहेगा सो दैट फर्स्ट इंटरसेक्शन इज 2 ओनली इसके नीचे कुछ नहीं है सो दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. क्या डाउट था या कहीं और से आवाज आई है क्या हो गया हिशिता
ये पढ़ाई भी करती जाती है और साथ में कुछ और भी चलता रहता है इसका, ठीक है। सो देखिए यहां पर ये क्लियर है ना, टू कैसे आया 802 में, सो लोअर बाउंड इज ओके, सो दैट इज द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो इस टाइप से आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द लोअर बाउंड अपर बाउंड। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम, ठीक है, अभी तक मल्टीपल वाला केस नहीं देखा हमने। सो लाइक दिस द ग्राफ इज दिस टाइप ए बी सी एन टी, व्हाट इज द लिस्ट अपर बाउंड बिटवीन ए बी एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिटवीन सी डी, क्या होगा? व्हाट इज द लिस्ट अपर बाउंड बिटवीन ए एंड बी? ए और बी टॉप पे जाके फर्स्ट इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे, दैट इज द लिस्ट अपर बाउंड। सी एंड डी इज ऑल्सो सीओडी सेम लेवल पे, सीओडी हाँ यस सर। सो सी एंड डी बोथ आर लिस्ट अपर बाउंड, तो देखिए एक से ज्यादा लिस्ट अपर बाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। बट सर ए और बी को हम देख रहे हैं ना, हाँ, तो ए और बी दोनों अपवर्ड में गए, कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो सी आएगा। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, क्यों सी आएगा, ए और बी अपवर्ड में यहाँ भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, ठीक है, यस सर। सो दोनों सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई सी एंड डी बोथ, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सी एंड डी अगेन सेम, ए पे भी जाएगा और बी पे भी जाएगा, सो ए कॉमा बी। सो एक से ज्यादा लिस्ट अपर बाउंड और एक से ज्यादा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी ग्राफ में, क्लियर है? सो इस टाइप की कंडीशन अगर आती है, सो मोर देन वन इज करेक्ट आंसर। गॉट इट? सो हैज डायग्राम हमने यहां पर देखा कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, और सिंपल अपर बाउंड लोअर बाउंड आपसे पूछा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, दैट्स इट। नाउ अब यहां पर हाँ सर, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट में हम वैल्यू को नहीं देखते सर, लेवल देखते हैं उसका। हाँ लेवल ही तो देख रहे हैं। यस, देखिए डायग्राम कुछ भी हो, वैल्यू से कोई मतलब नहीं हमें, या तो अगर हमें एक रिलेशन दिया और पहले हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ग्राफ बन रहा है, जैसे हमने डिवाइड वाले रिलेशन से बनाया था, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं। अगर आपको डायरेक्ट ग्राफ दिया है तो व्हाट एवर द रिलेशन, हमें तो ग्राफ देखना है और लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड कर लेना है। अब एक पॉइंट का ये ध्यान रखें आप, कि मान लीजिए आपको ग्राफ इस टाइप से लाइक दैट ये दिया है मैंने और एक ये बना दिया, ठीक है, दैट इज दिस। व्हाट इज द लिस्ट अपर बाउंड बिटवीन ए एंड बी? सी, अगेन सी एंड डी बोथ। अरे लाइन लंबी करने से क्या हो गया, लेवल तो वही है ना। यस सर, लेवल कब इंक्रीज होगा, जब बीच में कोई नोड हो, यहाँ पे कर कुछ होता तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इज दी डिफरेंट लेवल। बट अब ग्राफ में किसी ने लाइन स्ट्रेट ज्यादा बढ़ा दी और किसी ने कम कर दी, उससे मतलब नहीं है हमें, द ग्राफ इज सेम, बोथ आर सेम, क्लियर है, बोथ आर इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना है आपको। वो सी बार क्वेश्चन में क्या रहता है, कोई एज लार्ज दे दी कोई स्मॉल दे दी, तो लेवल वाइज अगर आप देखें तो सी एंड डी इज एट सेम लेवल एंड ए एंड बी इज एट सेम लेवल, सो इन दैट केस इज ऑल्सो सेम, क्लियर। तो दैट इज द हैज डायग्राम। अब हैज डायग्राम का लॉजिक अगर हमें क्लियर है, सो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट इज लेटाइस, ठीक है। सो लेटाइस और हैज डायग्राम पे मिक्स क्वेश्चन आता है आपका, सो इन दैट केस व्हाट इज द लेटाइस, लेटाइस किसको बोलेंगे हम? सो कोई भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अगर आपने डिफाइन किया है, इज सेट टू बी लेटाइस व्हेन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली one list upper bound and exactly one greatest lower bound between the every two element, ठीक है, चलिए पहले definition लिख लें। partial order relation is said to be lattice, partial order relation is said to be lattice if there exist if there exist exactly there exist exactly one list upper bound and exactly one
greatest lower bound between every pair of relation. ठीक है, between every pair of relation. So, हर दो पेयर के बीच में आपको आइडेंटिफाई करना है. तो हर दो पेयर में आप जब लिस्ट अपर बाउंड फाइंड करें और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करें तो वो एग्जैक्टली एक आना चाहिए. एक से ज्यादा अगर आएगा सो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट अ लेटाइस, वो लेटाइस नहीं होगा. अब देखिए कुछ टर्म यहां पर डिफाइन करने के लिए आ सकती है, जैसे कि लेटाइस की अगर हम बात करें. सो अदर देन दैट डेफिनेशन इज ऑल्सो एग्जिस्ट. ठीक है, कि बुकिश डेफिनेशन अगर हम देखें तो दैट इज दिस अ नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, अदर देन दैट डेफिनेशन इज नॉन एम्प्टी सेट. ये तो समझने के लिए हो गई आपकी पहले डेफिनेशन की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. नॉन एम्प्टी सेट एल, ठीक है, क्लोज्ड अंडर, नॉन एम्प्टी सेट एल क्लोज्ड अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन meet and join is called lattice. अब देखिए exactly same है, कोई difference नहीं है. What is the meaning of meet? Meet का मतलब वही है आपका, that is greatest lower point, and join मतलब list upper bound. ठीक है, तो आपको meet और join में confuse नहीं होना है. देखिए meet का मतलब है that is मिट का रिप्रेजेंटेशन सिंबल भी आपको आ सकता है, एंड सिंबल जो इंटरसेक्शन वाला एंड यूज करते हैं, दैट इज दिस एंड दैट मींस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. एंड जॉइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम और सिंबल से, एंड दैट मींस लिस्ट अपर बाउंड. तो बहुत सी जगह आपको मिट जॉइन लिखा हुआ आ सकता है, एंड और लिखा हुआ आ सकता है. ठीक है, तो उसका मतलब है लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. तो एक कोई भी एक याद रख लें आप. देखिए जॉइन को याद रखें, दैट इज लिस्ट अपर बाउंड, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. क्योंकि बहुत सी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिड लिस्ट अपर बाउंड था या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था. सो जॉइन इज लिस्ट अपर बाउंड, दैट्स इट. तो सेकंड वाला इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है, सिंपल याद रखने का तरीका है. नाउ अब इसके अलावा भी एक वर्ड होता है यहाँ पे. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट अपर बाउंड, या तो लिस्ट अपर बाउंड लिखा हो आपका, या जॉइन लिखा हो, या फिर सुप्रीमम लिखा हो. ये वर्ड आ जाते हैं इसलिए हमें सारे वर्ड क्लियर होने चाहिए. ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा हो, मीट लिखा हो, या फिर आपका इन्फीमम लिखा हो. इन्फीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, गॉट इट. सो दैट इज द सेम मीनिंग, क्लियर है. तो देखिए सेकेंड डेफिनेशन क्या थी, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ L, non-empty set L, closed under two binary operation, meet and join is called lattice. तो closing का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो element में आप meet निकालेंगे या join निकालेंगे तो exactly एक output आना चाहिए. That is the definition. Clear है? जो आपकी standard definition होती है, that is this. वो समझने के लिए ये आपको clear है. जो list upper bound हमने find किया, greatest lower bound find करेंगे दो element के बीच में तो exactly एक आना चाहिए. Then it is the lattice. Got it? So there are two definitions. Now, चलिए अब हम देखते हैं यहां पर किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं. A, B, C, D, E and F. ठीक है, there are six element. It is lattice or not? Yeah, lattice होगा या नहीं? होगा. होगा सर. Yes. कि हर दो element के बीच में आपका exactly one list upper bound and exactly one greatest lower bound होना चाहिए. तो देखिए वैसे तो आप directly समझ लेंगे. इस example के लिए हम सारे pair का find कर लेते हैं, greatest lower bound and list upper bound. Pair कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए आपका A is the फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि दैट इज द लोएस्ट एलिमेंट, और एफ आपका टॉप है, तो ये मिनिमल होगी, ये मैक्सिमल. ठीक है, तो देखिए अगर एग्जैक्टली एक मिनिमल एलिमेंट होता है आपका, मान लीजिए किसी डायग्राम में एग्जैक्टली एक मिनिमल एलिमेंट होगा तो उसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट. ठीक है,
अगर मान लीजिए एक से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट है किसी डायग्राम में, तो वहां पे कोई फर्स्ट नहीं है. डिफरेंस इज क्लियर. फर्स्ट तभी बोलेंगे हम जब एग्जैक्टली एक मिनिमल एलिमेंट हो, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट तब बोलेंगे हम जब एग्जैक्टली एक मैक्सिमल हो. अब एक से ज्यादा मैक्सिमल हो तो किसे लास्ट बोले, दैट इज नॉट डिसाइडेड. दैट्स व्हाई फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अगर आपको कुछ वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली एक एलिमेंट उसमें मिनिमल है और एग्जैक्टली एक मैक्सिमल है. सो दैट इज दिस. नाउ अब पेयर्स की अगर हम बात करें तो ए कॉमा बी लिख दिया मैंने, दैट ए बी इज रिलेटेड. क्लियर है. एंड नेक्स्ट बी सी, ठीक है. अब देखिए ए तो सबसे रिलेटेड होगा आपका, ए बी ए सी बी सी ए डी डी, ठीक है. कुछ पेयर्स के लिए हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं. सो चलिए ए बी के लिए पहले अगर हम फाइंड करें, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए और बी, ए बी का लोअर बाउंड क्या होगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिटवीन ए एंड बी, ए, करेक्ट. एंड लेस्ट अपर बाउंड इज बी. यस. तो देखिए जब भी एक सिंपल सा लॉजिक याद रखें आप, कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन के जिस दो पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट में से एक अपर बाउंड होगा और एक लोअर बाउंड होगा. लिस्ट की बात कर रहे हैं और ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं. जैसे बी और सी दो डिफरेंट लाइन के एलिमेंट है, तो इनका पहला इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे आप, दैट इज एफ. सो एफ अपर बाउंड हो गया, और पहला इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे देख लिया आपने ए, तो ए लोअर बाउंड हो गया, ठीक है. सो दैट इज दिस. नाउ अब मान लीजिए आपने यहां पर लिखा है दैट इज ए एंड एफ. सो ए और एफ एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं. अब देखिए लाइन स्ट्रेट हो जरूरी ऐसी नहीं, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आपकी लाइन हो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है. मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन हमारे हेज डायग्राम के हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज ए दिस एलिमेंट इज रिलेट विद दिस, इज रिलेट विद दिस, दिस एंड दिस. सो दैट ऑल आर, चाहे वो zigzag पाथ में हो, बट इट इज कंसिडर एज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज अलग अलग लेवल पे. सो ए बी, ए बी डी और एफ, तो ए और एफ क्या है स्ट्रेट लाइन में, ए सी ई और एफ दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन को आपने लिखा है तो लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए हो गया और अपर बाउंड एफ हो गया. सेम मान लीजिए आपने लिखा है बी और एफ, तो बी और एफ में बी लोअर बाउंड और एफ अपर बाउंड, ठीक है, बिकॉज बी और एफ इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. मान लीजिए आपने लिखा सी कॉमा डी, तो सी और डी के लिए अगर हम देखें तो सी और डी अपवर्ड डायरेक्शन में कहां मिल रहे हैं, एफ पे, और लोअर डायरेक्शन में कहां मिल रहे हैं, ए पे. तो लोअर बाउंड हो गया ए और अपर बाउंड हो गया एफ. इस तरीके से आप सारे पेयर का फाइंड कर सकते हैं. तो आपको कुछ पेयर को फाइंड करने के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि हर एक के लिए एग्जैक्टली एक, यानी कि यहां पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए. लोअर बाउंड भी एक आना चाहिए, अपर बाउंड भी एक आना चाहिए. तो एग्जैक्टली एक आ रहा है देन इट इज अ लेटाइस, अदरवाइज नॉट लेटाइस. सो ये आपका लेटाइस होगा, ठीक है. तो दैट इज द लेटाइस. गॉट इट. नाउ अगर मान लीजिए हमने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया लाइक दिस, इट इज लेटाइस और नॉट, ये लेटाइस है या नहीं. नो सर, नहीं है सर. बी और सी के लिए जो थ्योरी है सर वो एक ही लेवल पे है. करेक्ट. सो देखिए अगेन हमने यहाँ पे एक ये अगर इनर पार्ट देखते हैं हम, ये वाला दैट इज दिस बिटवीन दिस बी सी डी एंड ई, ठीक है. ये ऑलरेडी हमने देखा था बी सी के लिए अपर बाउंड क्या है, डी और ई दोनों, और डी और ई के लिए लोअर बाउंड क्या है, बी और सी दोनों. गॉट इट. सो एक से ज्यादा लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहे हैं यहाँ पर, यानी दिस पार्ट की वजह से वो क्या हो रहा है, नॉट लेटाइस. यानी आपने लिखा लिस्ट अपर बाउंड बिटवीन बी एंड सी यहाँ पर, तो बी और सी दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में डी और ई पे मिल रहे हैं, ठीक है. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिटवीन डी एंड ई इज बी एंड सी, सो नॉट लेटाइस. गॉट इट. दैट्स व्हाई इट इज नॉट लेटाइस.
तो इस केस में लेटाइज नहीं होगा आपका. देखिए लेटाइज पे इसी टाइप से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर दिया है और पूछा है कि लेटाइज है या नहीं, इट इज लेटाइज और नॉट. बता दे जाइए फर्स्ट डायग्राम लेटाइज है या नहीं. होगा ये लेटाइज फर्स्ट डायग्राम? नो सर. व्हाई? क्योंकि ई और डी के लिए दो आ रहे हैं ना. क्यों? ई और डी लोअर बाउंड लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिटवीन ई एंड डी. तो ई और डी का पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है बी, दैट्स इट. ये तो सेकंड हो गया, ग्रेटेस्ट यानी दो लोअर बाउंड है ई और डी में, बी और ए. लेकिन हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है जो कि ए की है, दैट इज बी ओनली. क्लियर? यस सर. ठीक है, वो प्रीवियस केस जो था उसमें दोनों पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी जा रहा है, यानी टोटल लोअर बाउंड अगर आप डी और ई के फाइंड करें सो बी सी और ए तीन लोअर बाउंड होंगे, उनमें से बी और सी क्या है आपके ग्रेटेस्ट है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लेटाइज. बट ये होगा आपका, ठीक है, सारे पेयर के लिए चेक कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली एक ही आएगा. इट इज लेटाइज और नॉट? ये लेटाइज है या नहीं सेकंड वाला? Sir. नहीं है. Sir. क्या रीजन? जी और ई के लिए सर लिस्ट अपर बाउंड. जी और ई के लिए, तो जी और ई का तो सी हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है. देखिए बाय डिफॉल्ट एज का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, चाहे मैं ये एज लिख दूं. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट स्ट्रेट हो जाएगी तो अपवर्ड में अगर आपने थोड़ा सा भी डायरेक्शन टिल्ट किया है तो उसका मतलब है कि जो नीचे लिखा है वो लोअर लेवल का है और जो ऊपर लिखा है वो अपर लेवल का है. सो जी और ई दोनों सी पे आके मिल रहे हैं, तो यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कोई रीजन? अपर बाउंड सर. जी और ई का अपर बाउंड? यस. जी और हाँ, देखिए करेक्ट, यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली देख लें इन दोनों के लिए, ए फोर जी डायरेक्टली रिलेटेड, अगर ए फोर जी को अपवर्ड डायरेक्शन में मीट करे तो कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते बिकॉज ए फोर जी में कोई लाइन नहीं है. अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब आपको एफ को तो ठीक है ये टॉप पे, लेकिन जी को एफ पे मीट नहीं कर सकते हम किसी भी अपवर्ड डायरेक्शन से. यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि बी पे गए और बी से डी और फिर एफ पे चले गए. Direction is always upward to find the particular. नियम लेवल पे travel नहीं कर सकते? क्या? नियम लेवल पे भी जा नहीं सकते क्या? Same level पे age होनी चाहिए ना. मान लो जी आपकी same level कौन सा है? G का level किसके equivalent है? तो G के corresponding आप किसी भी upward direction में कोई age ही नहीं दी है ना आपको. देखिए G से D पे भी नहीं जा सकते हैं आप, E पे भी नहीं. यहाँ पे अगर age होती तो कोई problem नहीं थी, फिर आप G से D पे जाते हो, D से F पे चले जाते. बट बी लोअर लेवल पे है तो आप लोअर लेवल पे जाके अपवर्ड पे नहीं जा सकते. गॉट इट? सो हम यहां पे एक रीजन क्या बोल देंगे, इट इज नॉट लेटाइज. द वन रीजन इज देयर इज नॉट एनी अपर बाउंड बिटवीन एफ एंड जी. एफ और जी में कोई अपर बाउंड नहीं है. जी और डी में नहीं होगा फिर तो. किसमें? जी और डी. B और D? G, G, G और D. D, G. Yes, yes, same. देखिए G और D, again, वो कोई भी एक रीजन आप फाइंड कर ले, G और D के लिए, G और E के लिए, या G और F के लिए देखें. तो तीनों के लिए आप लोअर डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ पे B पे मिट कर रहे हैं, यहाँ पे C पे मिट कर रहे हैं, लेकिन अपवर्ड के लिए आपके ऐसा डायरेक्टली कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए मैं इसमें सो इट इज नॉट लेटाइज ये लिख दिया हमने, इसमें हम तो थोड़ा सा आवाज सर अगर हम हाँ सर अगर हम डी और जी के लिए देख रहे हैं तो उसका लोअर बाउंड बी होगा या फिर ए होगा? डी और जी के लिए लोअर बाउंड बी और ए दोनों है, बट लिस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट जो होगा वो बी होगा, ए की आएगा. गॉट इट? लेवल किसके
जी का लेवल देखिए, जी के लेवल के करस्पॉन्डिंग आप देखें यहां पर तो जी डी और जी डी और ई सेम लेवल पे, अरे देखिए ना ए बी से रिलेट है फिर जी पे जा रहा है, ए सी से रिलेट है फिर जी पे जा रहा है, ए सी से रिलेट है और फिर ई पे जा रहा है, तो डी जी और ई का लेवल सेम है। एफ सबसे ऊपर वाले लेवल पे, बी और सी सेकेंड लेवल पे और ए आपका डाउन लेवल पे, करेक्ट? यस सर। देखिए एक्चुअली क्या है, यहां पे जो डायग्राम्स आ रहे हैं ये हम कोई प्रॉपर्टी से तो नहीं बना रहे, ठीक है, बट क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, तो आपको फोकस जस्ट उस पे करना है कि क्या वो लेटाइस होगा या नहीं होगा, बिकॉज अगर प्रॉपर्टी से हमने डायग्राम बनाया किसी रिलेशन से तो उसमें तो हमें क्लियर हो ही जाएगा कि वो किस लेवल पे, उसमें लेवल का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं तो इसमें क्या कंफ्यूजन, अभी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, मतलब आप नंबर ऑफ एजेस काउंट करें मिनिमल एलिमेंट से, ए से जी के लिए एजेस कितनी है, दो है, सो यानी कि ये आपका लेवल जो होगा, यानी ए से बी पे जा रहे हैं और फिर जी पे, ए से बी पे जा रहे हैं और फिर डी पे, तो सेम लेवल जी डी और सी ई तीनों का लेवल सेम होगा। चलिए ये लेटाइज है या नहीं, इट इज लेटाइज और नॉट? नहीं है सर, डी और जी फिर से, नो नो सर है एक सर, नाउ इट इज लेटाइज, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज जो रीजन था आपका डी, देखिए डाउनवर्ड का तो कोई प्रॉब्लम चेंज हुआ नहीं है, अपवर्ड के लिए आप डी और जी के लिए अपवर्ड लोअर बाउंड, जो अपर बाउंड है दैट इज एफ, जी और ई के लिए ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड इज एफ, ठीक है, और जी और एफ के लिए भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट में यू कैन फाइंड एनी पेयर, सबके लिए एग्जैक्टली वन ही आएगा आपका, सो दैट्स व्हाई वो क्या रहेगा आपका, दैट इज द लेटाइस, सो इट इज लेटाइस, क्लियर? अच्छा एक डायग्राम और यहां पर डिजाइन करता हूं, ए बी सी डी एंड ई, इट इज लेटाइज और नॉट? सर डी और फर्स्ट का जो नहीं है सर, नॉट लेटाइज, रीजन डी एंड ई के लिए कोई अपर बाउंड नहीं है, डी और ए के लिए, डी एंड ई, डी और ई के लिए अपर बाउंड, डी और ई तो स्ट्रेट लाइन में, डी से बी, बी से ई, सर कहां से, अरे स्ट्रेट ही तो है, डी से बी पे गए और बी से ई पे गए, दैट इज द स्ट्रेट, दो डायरेक्शन, डी और ए के लिए नहीं है, डी और ए के लिए क्या नहीं है, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, यस, डी और ए का अपर बाउंड तो है दैट इज बी, आप देखिए दो रीजन से रिजेक्ट कर सकते हैं आप, डी और ए के लिए अपर बाउंड कौन कौन से होंगे, बी और सी दोनों होंगे, क्योंकि देखिए इधर बी पे मिल रहे उधर सी पे, और लोअर बाउंड आपका कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक रीजन ये हो गया, ठीक है कि डी और ए के बीच में नहीं है, और कोई रीजन आप बता सकते हैं यहाँ पर अदर देन डी और ए, किसी और रीजन से आप बोल सकते हैं कि डज नॉट लेटाइज? सर बीसी का लोअर बाउंड, यस करेक्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिटवीन बी कॉमा सी इज डी एंड ए बोथ, क्योंकि डी और ए सेम लेवल पे, अरे क्लियर है, दोनों बॉटम पे, इसके नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैंने भले यहां पे लिख दिया उसे, बट द लेवल इज सेम, यानी यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस, इस डायग्राम को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आपने पहला एक एलिमेंट ए लिया और दैट इज दिस डी, बी सी एंड ई बोथ आर सेम, क्लियर है? तो देखिए अल्टीमेटली पैटर्न आपका वही बन गया, ये क्रॉस वाला आया ना समझ में? यस सर, सो दैट इज द सेम,
सो नॉट लेट आइस. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंट एग्जाम्पल जो हमने देखे लेटाइस के लिए. अब देखिए, आपको एक टर्म आती है, लोअर बाउंड अपर बाउंड देखा हमने, लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. नाउ द यूनिवर्सल यूनिवर्सल अपर बाउंड एंड यूनिवर्सल लोअर बाउंड. What is the universal upper bound and universal lower bound? Universal upper bound, that is the representation. Universal lower bound. So, देखिए, universal upper bound, lower bound बोलेंगे हम कब? जब किसी भी particular lattice में एक ऐसा element होगा जिसके साथ, मतलब एक ऐसा element है जो किसी भी दो element के upper bound find करने पे वो element always upper bound के set में आता है, then it is universal. देखिए, directly आप example से उसको समझे. जो हमने एक लेटाइस अभी बनाई थी, तो हमने जिसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो बोला था, दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, तो अगर इस टाइप की लेटाइस है आपकी एंड दिस लेटाइस, ठीक है, यहां पे अगर आप बात करें कि किसी भी दो पेयर के बीच में अगर अपर बाउंड फाइंड करता हूं मैं, इफ यू फाइंड द अपर बाउंड बिटवीन एनी टू पेयर, देन आपका एफ ऑलवेज प्रेजेंट होगा. क्लियर है? So, F के लिए आप क्या बोलेंगे? जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा अपर बाउंड बिटवीन B एंड C या B एंड A, B और A के बीच में अपर बाउंड, सिर्फ अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या आएगा आपका B और A में अपर बाउंड? B, D और F, B, D, F. ठीक है, नाउ फिर नेक्स्ट टू पेयर ले लिया हमने लाइक B और C में अपर बाउंड, सो B और C में अपर बाउंड इज F ओनली. ठीक है, अपर बाउंड बिटवीन सी एंड ई, तो दैट इज ई एंड एफ. सो किसी भी दो पेयर में आप अपर बाउंड निकाले, एफ तो हो गई. ठीक है, सेम अगर लोअर बाउंड बिटवीन मैंने निकाला बी और ए, तो दैट इज ए, बी और ए में ए आ रहा है. लोअर बाउंड बिटवीन बी एंड सी, सो क्या आएगा? अगेन ए आएगा. मान लीजिए आपने लिखा लोअर बाउंड बिटवीन ई एंड सी, सो ई और सी का लोअर बाउंड इज ए सी और ए, ई और सी सी पे मिट कर रहे हैं और फिर ए पे मिट कर रहे हैं. सो अगेन किसी भी दो एलिमेंट का लोअर बाउंड निकाले, ए आएगा. सो ऐसा एलिमेंट जो किसी भी दो एलिमेंट के लोअर बाउंड में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लोअर बाउंड, और किसी भी दो एलिमेंट के अपर बाउंड में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अपर बाउंड. क्लियर है? सो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या बोलेंगे, एफ इज universal upper bound. ठीक है, f is universal upper bound because f is a upper bound of each pair upper bound of each pair of the lattice. कंपल्सरी है कि सारे लेटाइस का यूनिवर्सल अपर और यूनिवर्सल लोअर बाउंड रहे? नहीं नहीं, कंपल्सरी नहीं है ना. कंपल्सरी होता तो फिर ये पॉइंट ही नहीं होता. ठीक है, कंपल्सरी किस केस में होगा मैं बताता हूं उसको, दैट एफ इज यूनिवर्सल अपर बाउंड एंड, यानी कि मैक्सिमम में कंपल्सरी होगा जो भी फाइनाइट होगी आपकी, वो पॉइंट भी हम लिखते हैं अभी यहाँ पे. ए इज यूनिवर्सल लोअर बाउंड, ठीक है, बिकॉज A is a lower bound bit of each pair of lattice. ठीक है, तो देखिए जिस भी lattice में universal upper bound और universal lower bound exist करता है, such type of lattice is called bounded lattice. उस lattice को हम क्या बोलेंगे? Bounded lattice. क्लियर है? और जितनी भी फाइनाइट लेटाइस होगी, दैट ऑल आर बाउंडेड. फाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता है कि कितने एलिमेंट है उस लेटाइस में, यानी वो फाइनाइट है. सो अभी तक हमने जितनी भी देखी वो सारी फाइनाइट थी, तो ऑल आर बाउंडेड लेटाइस, और उन सब में आपको यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड मिल जाएगा जितने भी लेटाइस के एग्जाम्पल हमने देखे. सो एक पॉइंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे,
that a lattice that have universal upper bound and universal lower bound is called bounded lattice. उसको आप क्या बोलेंगे? Bounded lattice. And every finite lattice, every finite lattice is bounded. हर finite lattice क्या है आपकी? Bounded है. ठीक है? So bounded है मतलब वहां पे universal lower और upper exist करेंगे, यानी first और last element exist करेगा आपका. तो every finite lattice is bounded. क्लियर है दोनों पॉइंट? अब इनफाइनाइट लेटाइस क्या हो सकती है? हमने फाइनाइट वर्ड तो लिख दिया, नाउ व्हाट इज द इनफाइनाइट? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया है, सेट ए इज एन, ये आपको बोला है कि एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एन सेट दिया है आपको, और ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखा है कि ए इज रिलेटेड टू बी if and only if a is less than equals to b. यानी दो एलिमेंट कब रिलेट हो सकते हैं? जब वो पहला एलिमेंट दूसरे से क्या हो? लेस हो. और एलिमेंट का सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो हमें पता है कि नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? वन, जो सबसे लेस होगा. वन इज लेस देन टू, वन इज ऑल्सो लेस देन थ्री, एंड टू इज लेस देन टू, थ्री, 3 is less than 4, ठीक है, या हम बोले 4 is greater than 3, 2, 1, all, that is 5, and so on. End point पता ही नहीं हमें कि कहाँ पे end होगा ये, लेकिन starting point पता है हमें, that is 1. So in this case, there is not any universal upper bound. Universal lower bound is this, that is the universal lower bound. But there is not any universal upper bound because the set is infinite. So such type of lattice is called infinite lattice. ठीक है? And in this there is not any upper bound. ठीक है? And in this there is not any universal upper bound. Clear है? It is clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, देखिए हम यहाँ पे lattice से type of lattice पे आ चुके हैं, यानी bounded lattice क्या होती है, ये clear है आपको. Now, अब different type of lattices जो भी होती है, वो हम कल की class में discuss करेंगे. Type के बाद हम देखेंगे what is sub lattice, sub lattice क्या होता है आपका, ठीक है? And कल की class में हमारा lattice complete हो जाएगा. क्वेश्चंस दे दीजिएगा सर प्लीज. क्वेश्चंस, अरे यार देखिए, क्वेश्चंस का ये है कि एग्जैक्टली पूरे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल नहीं रहे मेरे को. आपके पास कोई प्रीवियस ईयर गेट की बुक नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है क्या? तो फिर हम लोग देख लेंगे सर. ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो आपसे डिस्कस. हां तो पूछ लेना ना, कोई दिक्कत थोड़ी है. गेट भला आपको जो भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड अगर नहीं बन रहा है तो पूछ ले, क्योंकि एक्चुअली गेट क्वेश्चंस तो आपको इजीली मिल जाएंगे कहीं से भी. हाँ, आप नेट से भी प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस डाउनलोड करेंगे, या आप गिग्स फॉर गिग्स साइट्स पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारे मिल जाते हैं. ठीक है, उस साइट पे जाके आप ईयर वाइज देख ले, 2020 के गेट क्वेश्चंस तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, 19 के क्वेश्चंस तो पूरी लिस्ट विद सॉल्यूशन सब कुछ आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वहां पे आप इजिली पहले सॉल्व करें. मान लीजिए आप कहीं अटकते हैं तो सॉल्यूशन को देखें, सॉल्यूशन को देख के अगर समझ में आ गया तो ठीक, अदरवाइज मेरे से पूछ लीजिए आप. ठीक है, मतलब आप पूछ सकते हैं किसी भी डाउट को, नो डाउट, बट एग्जैक्टली क्या है कि मिक्स क्वेश्चन है मेरे पास सारे, तो और उसकी भी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, सब हार्ड कॉपी में ही है, तो फोटो खींचने पड़ेंगे. ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, कहीं होंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा. सो कल हम लेटाइस कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो क्लास मिस नहीं करनी आपको. क्लियर? सो ये पीपीटी में टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा. थैंक यू सर.
ओके थैंक यू सर. ओके ओके चलिए बाय बाय गुड डे.